सबसे पहले तो आपका स्वागत. थैंक यू. और रेडियो संगम होटिसफील्ड में बेसिक रेडियो स्टेशन है हमारा जी. और हम आपके गाने बहुत प्ले करते हैं, स्पेशली आपका जो 3 पैक गाना है वो हमने बहुत ज़्यादा प्ले किया है अपने रेडियो संगम पे. थैंक यू सर. आपको बताइए कि उसके पीछे ऑटोमोलॉजी क्या है, क्या हमेशा से पंजाब के हवाले से जब भी बात आती है तो पैग के जिक्र क्यों आता है? और क्या, जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो हमारे पाकिस्तानी जो है लिसनर हैं उनसे आपका क्या मैसेज है? पहली बात यह है कि मुझे लगता है पंजाबी सारा कुछ ही एक्सट्रीम करते हैं, मेहनत भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में करते हैं, इन्जॉय करते हैं वो भी एक्सट्रीम में करते हैं. तो ऑब्वियसली हम जब ये गाना हमने बनाया था तो हमें पता था ये गाना सभी जगह पार्टीज़ में गाड़ियों में चलेगा और सभी इन्जॉय करते हैं इसको. और गाने में मैसेज ये है कि इन्जॉय करो जब तुम सक्सेसफुल हो जाने होता, पर ये ज़रूर है कि पहले अपना जो भी ड्यूटी है उसको कर लो, जॉब कर लो जो भी आपकी है, उसके बाद इन्जॉय करो, लेकिन इन्जॉय भी खुल के करना चाहिए. सही. अभी आपका गाना रिलीज़ हुआ है मोटर जी, उसके हवाले से आपका क्या कहना है, क्या मैसेज है? मोटर भी बहुत ज़बरदस्त उसकी भी प्रमोशन की जा रही है जी, मतलब बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका क्या कहना है? उसके पीछे क्या आइटमोलॉजी है? उसके पीछे ये है कि जैसे मैं हर तरह के गाने गाता हूँ, खुद भी लिखता हूँ और टीम्स के साथ भी काम करता हूँ. और मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि अपना चैनल बनाऊंगा और मैंने अभी अपना चैनल यूट्यूब पे बनाया, शैरी मान म्यूज़िक के उसका नाम है. तो उसमें वो गाने मैं मतलब रिलीज़ करना चाहता हूँ जो मेरे ऐसे भी कुछ फैंस हैं जो कोई थोड़े से क्लासिकल और थोड़े शायरी वाले गाने सुनना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक मीडियम है. क्योंकि आजकल सभी जगह कमर्शियल हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कोई गाना अगर वहाँ पे डालूंगा तो. और संगम के फैंस के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. आप पहले तो इतने मेरे गाने चलाते हैं और जितने भी लिसनर्स हैं उन सभी को मैं बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और खुश रहिए, आबाद रहिए.